जैसा कि आप सभी देख सकते हैं कि अभी हम लोग बरनो के हेटोली जगह पे पहुंच चुके हैं और मेरे पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पुल का निर्माण हो रहा है। तो और अभी दोस्तों हम लोग यहाँ से काफ़ी दूर जाना है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए क्योंकि वीडियो है काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। इनका नाम है सुकरा उराव और ये अमलिया के बजिया टोली के निवासी हैं। और ये आप देख सकते हैं यहाँ दो गाय भी है और इनके गले में घंटी बना हुआ है जो इन्हीं के द्वारा बनाया गया है। दोस्तों हम लोग राज विद्या केंद्र में आ चुके हैं और यहाँ से कुछ ही दूरी पर हम लोग का जहाँ मंजिल है वहाँ पहुँचना है। तो हालांकि मैं अभी अंदर घुसता लेकिन लॉकडाउन के कारण से अभी राज विद्या केंद्र बंद है तो इसीलिए अभी नहीं दिखा पाऊँगा। तो हम लोग यहाँ से शॉर्टकट रास्ता होते हुए गांव के सड़क से जा रहे हैं और हम लोग अभी वनटोली गाँव जाएँगे तो वहाँ से आप लोग को पहुँच करके वहाँ के बारे में बताएँगे। दोस्तों फाइनली हम लोग उस चट्टान के नीचे आ चुके हैं और आप नीचे का जो नज़ारा देख आप एक मंदिर आप लोग देख सकते हैं कि जो काफ़ी प्राचीन मंदिर है और यहाँ देख सकते हैं। आइए तो अभी हम लोग मंदिर के आसपास देखते हैं और मंदिर के पास देखते हैं कि क्या चीज़ है और ये कैसा है, कैसा दिखता है। ये साइड आ चुके हैं, ये कहीं ना कहीं कहा जा सकता है ये मंदिर बन रहा था लेकिन ये अधूरा काम पड़ गया है और ये इसको पूरा नहीं किया जा सका। तो फिर भी कुछ कुछ आप लोग को दिखाना चाहेंगे कि आगे देखिए ये मंदिर का जो है फाटक है आप देख सकते हैं और अंदर में इधर का जो वातावरण है काफ़ी, इधर हवा भी बहुत ही सुहाना चल रहा है और अभी सुबह के 10 बजने वाले हैं लेकिन फिर भी अभी हम लोग को गर्मी का एहसास नहीं हो रहा है क्योंकि हवा भी। आप वहाँ देख सकते हैं कि जो आप लोग कुछ रोड दिखाई दे रहा होगा और देखिए आप जो जो मेन रोड है यहाँ से गया हुआ है और इधर से ये जो है पेड़ों की तरफ आप लोग निकल जाएंगे, बेड़ो चट्टी रोड है। और आगे ठीक अगर जाएंगे तो आप लोग को लोहरदगा रोड मिलेगा आप लोग को और ठीक इसी तरफ से अगर आप लोग रिटर्निंग आएंगे उस साइड जाएंगे तो आप लोग ये गुमला जो है भरनो गुमला आप लोग पहुंचेंगे। यहाँ से करीबन 14 किलोमीटर की दूरी पर है तो अगर आप लोग यहाँ से आना टेम्पो चलता है आप लोग उसके माध्यम से भी आ सकते हैं। और जैसा कि आज हम लोग तो ऐसे ही घूमने फिरने आए हैं since my head got cut and died.